जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हिंदी की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है और हिंदी साहित्य में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर भी करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज हिंदी साहित्य में सभी लोगों को फटाफट उत्तर बताना है और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों जो अपना YouTube चैनल है इसको क्या मिल गया है, अब ज्वाइन बटन भी अपन को प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय आर भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं, चरण बताना है, कितने चरण हैं, दो चरण हैं, तीन चरण हैं, चार चरण हैं या फिर पांच चरण हैं, ये चरण आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय आर भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर जरूर बताएं और उत्तर आपका होगा दोस्तों कितने चरण हैं, भारतीय आर भाषाओं के जो चरण हैं वो है तीन चरण। कितने हैं, तीन, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है, जबकि है ना। तो ये जो संस्कृत को कठोर कहा है, ये संस्कृत को कठोर किसने कहा है, राजशेखर ने कहा है, भरत मुनि ने कहा है, बामन ने कहा है या फिर स्वयंभू ने कहा है। तो किसने कहा है, तो अधिकांश लोगों ने प्रश्न क्रमांक दो का जो उत्तर बता दिया है कि राजशेखर, है ना, राजशेखर साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि प्राकृत को मीठी है और संस्कृत को कठोर है। अब एक चीज बताना दोस्तों, जिसका राज चल रहा है, जिसका राज चल रहा है वो किसी को कुछ भी बता सकता है, बोले हमें तो प्राकृत मीठी लगती है और संस्कृत कठोर कहता है क्योंकि राज चल रहा है इनका, तो राजशेखर, ठीक है, राजशेखर आपका बिल्कुल सही होगा। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि बताना है कौन है, ये चीज बतानी है। चार विकल्प आपके सामने है, चार में से आपको चयन करना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर एक विकल्प देवसेन दिया है, ये देवसेन साहब की रचना है कौन सी, श्राप का चार, है ना, श्राप का चार है। इसका रचना काल क्या है, 933 ईस्वी है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, हिंदी की प्रथम रचना है श्राप का चार, ठीक है, देवसेन की है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है, आप सभी को पता है पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, अभिमान मेरु। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों महापुराण, इनका एक ग्रंथ कौन सा है, महापुराण है, जिसमें 63 शलाका पुरुषों की चर्चा की गई है महापुराण में, ठीक है। और रामसिंह की एक रचना है दोस्तों पाहुड़ दोहा, कौन सी है, पाहुड़ दोहा, हमने याद की थी कि राम कहाँ गए थे, पहाड़ गए थे, बन गए थे, तो ये पाहुड़ दोहा किसकी होगी, रामसिंह की होगी। लेकिन राम काव्य के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर एक, है ना। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्वयंभू है दोस्तों, इन स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, रामकुमार वर्मा ने।
और राउल बेल इनकी रचना है, राउल बेल रचना है स्वयंभू की, राउल बेल तो रोड़ा कवि की, राउल बेल तो रोड़ा कवि की है, इनकी है कौन सी है, राम काव्य का पर आधारित, स्वयंभू की आपको बताना है, राउल बेल तो रोड़ा कवि की है, स्वयंभू की राम काव्य पर आधारित जो रचना है वो आपको ही बताना है ना, मुझे क्या नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है वो। अगला बताना हिंदी में, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है, जल्दी बताओ हिंदी में हिंदी साहित्य। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गलत क्वेश्चन कर देते हैं, क्या करते हैं, हिंदी में हिंदी साहित्य आप बोल देते हो कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, तो आप लगा देते हो गारसदा तासी, लेकिन बात यहां पर होती है दोस्तों हिंदी में हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है स्यूसेन सेंगर ने, गारसदा तासी ये फ्रेंच विद्वान थे तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है। हाँ पयोमचर्यु, वेरी गुड प्रदीप जी, पयोमचर्यु रचना है इनकी राम काव्य पर आधारित स्वयंभू जी की, वेरी गुड पयोमचर्यु, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी में लिखा स्यूसेन सेंगर ने, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसदा तासी ने, सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन का प्रयोग किया गया तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि ग्रियर्सन की कृति है, और रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास एक बृहद ग्रंथ है जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में प्रकाशित हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर होते जाए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, मैंने कई बार आपको याद करवाया है दोस्तों, कैसे याद करवाया कि आधा जो है, आधा सुमन आधा कुसुम आधा फूल किसी को नहीं दिया जाता है ना, किसी को नहीं दिया जाता ना, तो आधा इतिहास कौन लिखेगा, आधा, बोले सर आधा किसी को नहीं दिया जाता, क्या फूल सुमन कुसुम है ना, ये सभी पर्यायवाची हैं, तो ये सुमन राजे ने लिखा है ना। और दोस्तों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिख दिया, बच्चन सेन ने लिख दिया, मैंने आपको याद करवाया था, बोले हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखो, तो बोले दूसरा इतिहास कैसे लिखें, ये बच्चन का काम थोड़ी है, ये बच्चन का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है दूसरा इतिहास लिखना। और रामचंद्र शुक्ल का तो पता ही है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, ठीक है, और सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अगला आपको बता रहे दोस्तों, रीति काल को अंधकार काल किसने कह दिया, अंधकार काल, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, त्रिलोचन ने क्या कहा है, मिश्र बंधुओं ने आपको पता है इन्होंने क्या कह दिया, अलंकृत काल है ना, क्या कह दिया मिश्र बंधुओं ने, क्या कह दिया त्रिलोचन ने, तो आपको बताना है दोस्तों अंधकार काल जो कहा है वो किसने कहा है, और अंधकार काल कहा किसने, त्रिलोचन साहब ने, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रीति काल को, ठीक है, हाँ बी नंबर सही होगा। अगला बताओ हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, बच्चन से हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कौन है, हाँ मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, वेरी गुड। और संक्षिप्त, आप लोग संक्षिप्त के चक्कर में पड़े रहते हो कि बोले सर हिंदी साहित्य संक्षिप्त में पढ़ा दो, जो विश्व के लोग विश्व भर में क्या है, संक्षिप्त पर पड़े रहते हो, यार विस्तृत कौन पढ़े, संक्षिप्त पढ़ लो, संक्षिप्त है ना, तो विश्वनाथ त्रिपाठी संक्षिप्त इतिहास लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। बच्चन सेन ने तो बता दिया कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिख दिया, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, है ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, और ये नंबर आपका विश्वनाथ त्रिपाठी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है, बंग महिला है, चित्रा मुदगल है, जानकी देवी बजाज है या फिर कौशल्या बैसंत्री है। हमने एक रचना, एक आपकी आत्मकथा याद करवाई थी, दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप किसको मिला, कौशल्या को मिला दोहरा अभिशाप, कौशल्या बैसंत्री है ना, और जानकी देवी बजाज ने क्या की, अपनी गाड़ी, अपनी जीवन यात्रा है ना, मेरी जीवन यात्रा
जो है बजाज गाड़ी से स्टार्ट की थी जानकी देवी बजाज ने, और पहली कहानी लेखिका मानी जाती है बंग महिला। बंग महिला यानी कि राजा वाला घोष, है ना, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका उपनाम है बंग महिला, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला बताना है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। प्रेमचंद का उस उपन्यास का पात्र बताना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रश्न क्रमांक 9। रंग भूमि का है, निर्मला का है, कर्म भूमि का है, या फिर सेवा सदन का है, किसका पात्र है सूरदास। और सूरदास की जब भी बात आती है तो हम सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि सूरदास जी वात्सल्य के चितेरे कवि कहा जाते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, है ना, इनकी रचनाएं हैं। सूरदास कुंभन दास के, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के शिष्यों में अष्टछाप में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं तो सूरदास माने जाते हैं, है ना। और इनके जो सूरदास जी हैं वो रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास जी, ठीक है। सूरदास हैं रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। रंगभूमि, निर्मला, कर्म भूमि, सेवा सदन, है ना, ये सभी जो हैं वो किसके हैं दोस्तों, ये सभी प्रेमचंद जी के हैं। और एक उपन्यास आपको हमेशा याद रहता है कि अधूरा रह गया मंगल सूत्र, प्रेमचंद जी का मंगल सूत्र अधूरा रह गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के रह जाते हैं दोस्तों मंगल सूत्र अधूरे, जो प्रेम करते हैं, है ना, ऐसे ही प्रेमचंद जी का भी मंगल सूत्र अधूरा रह गया। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, कौन सी रचना अवधि में नहीं है, रामचरितमानस नहीं है, है ना, और बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका, या फिर पद्मावती, जसवंत जी, हाँ बाल विकास की कक्षा अभी बंद हो गई है, है ना, कौन सी रचना अवधि में नहीं है, अवधि में नहीं है बतानी है, तो अवधि में कौन सी नहीं है दोस्तों, अवधि भाषा में। हमने आपको अवधि भाषा में जितनी रचनाएं हैं वो आपको बताई थी कि जहां पर राम आए वो अवधि भाषा में है, है ना, और तो यहां पर जो गड़बड़ हो गया है कुछ, है ना, क्या गड़बड़ हो गया, रामचरितमानस भी आपकी अवधि में है, पद्मावत भी आपकी अवधि में है, ठीक है, लेकिन आपकी जो विनय पत्रिका और बैराग संदीपनी जो है ना, ये जो सी नंबर है और जो बी नंबर है, ये तो ब्रज भाषा में है ना, तो विनय पत्रिका यहां पर हालांकि उत्तर दिया है सी नंबर, विनय पत्रिका, ठीक है, तो विनय पत्रिका ब्रज में है, विनय, है ना, मंगल और राम आए, तो बैराग संदीपनी भी आपकी ब्रज भाषा में है ना, ब्रज में है, तो बी और सी ये दोनों ही आपके सही होंगे, ये अवधि में नहीं है, पद्मावत अवधि में है, रामचरितमानस भी अवधि में है, ठीक है। अगला बताना है आपको सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं। सिद्धों में संध्या या फिर संध्या, संध या फिर, हाँ हमारे पीछे क्वेश्चन दिखाई नहीं देते, संध्या, तो बताना है किस भाषा शैली में रचनाएं लिखी हैं सिद्धों ने। विनय पत्रिका भी ब्रज में है, हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है, और 11 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का इन्होंने दोस्तों संध्या भाषा, यहां पर संधि भी नहीं है, संध्या भी नहीं है, संधा भी नहीं है, संधा सही होगा, संधा भाषा शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं, किसने, सिद्धों ने, है ना, तो याद रख लेना। सिद्धों की संख्या कितनी बताई है, 84 बताई है ना। सरहपा क्या है, इसके प्रमुख है, सरहपा की एक रचना कौन सी है, दोहा कोश इनकी रचना है सरहपा जी की, और सरहपा को राहुल जी ने यानी कि राहुल शांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ना, तो ये चीज भी याद रखनी है। सिद्धों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है, जी हाँ दोस्तों बढ़िया ही प्रश्न है। रामकुमार वर्मा के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा,
वो भी कैसा लिखा, अधूरा लिखा है ना। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ये अधूरा है दोस्तों, इसमें केवल भक्ति काल तक ही वर्णन मिलता है आलोचनात्मक इतिहास में है ना। लेकिन जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने संधि काल का जो समय माना वो क्या मान लिया, संधि काल का। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर बताना है दोस्तों, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 750 से 1000 का जो काल है इन्होंने संधि काल माना, और संधि काल के बाद इन्होंने चारण काल माना, चारण है ना, चारण काल। तो आपको याद रख लेना है हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चारण काल अपने ग्रियर्सन साहब ने भी कहा है और इन्हीं राम कुमार वर्मा जी ने भी कहा है। 750 से 1000 का काल इन्होंने संधि काल माना है राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा, जय है ना, जय काल बताना है किसने कहा, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गिरी मोहन अवस्थी ने या ग्रियर्सन ने। तो जय काल बताना है दोस्तों, किसने कहा ये जय काल। यहां पर अगर हम बात करें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो बीज बपन काल कह दिया है ना, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तो दोस्तों क्या कह दिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कह दिया, क्या कह दिया है ना, राम और शंकर की क्या हो, जय हो, जय हो है ना। और यहां ये चीज याद रखनी है, जय काल जय किसकी हो, राम की और शंकर की। तो आपका जय काल किसने कहा, रामा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मोहन अवस्थी, और अवस्थी से अवस्था हो जाएगा दोस्तों, अवस्थी से अवस्था। और जब आपकी अवस्था जितने लोग देख रहे हैं सभी की अवस्था अगर बुढ़ापे की आ जाए तो लाठी का आधार ले लेना, इस प्रकार से जो लाठी होती ना, लाठी, लाठी का आधार ले लेना। तो आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने है ना, बोले सर अवस्था हो गई है मेरी, अब मैं लाठी के आधार पर चलता हूँ, आधार, तो अवस्था हो गई तो आधार लेना है, ठीक है। तो आधार काल इन्होंने कहा है मोहन अवस्थी जी ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताना है, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है, घुटन, घुटन होने लगी किस विधा, आत्मकथा, रेखा चित्र, कहानी या फिर उपन्यास से। तो आत्मकथा भी आपने पढ़ी है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा हम पढ़ते अर्धकथानक, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की, ठीक है। और अर्धकथा हम पढ़ते हैं नगेंद्र की आत्मकथा है ना, आत्मकथा हम नगेंद्र की पढ़ते हैं अर्धकथा, और अर्धकथानक हम पढ़ लेते हैं किसकी, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और जो घुटन रचना है ये किसकी है, आत्मकथा है, आत्मकथा की है ये है ना। और एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मोहन का आधार कार्ड, मोहन का आधार कार्ड, तो आधार कार्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वाल्मीकि है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। परवेज कुरैशी जी, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है, आत्मकथा है ना, घुटन। अगला देखो, गर्दिश के दिन, बहुत ही कई बार मैंने आपको बताया है ये गर्दिश के दिन, ये आत्मकथा है किसकी है, कितने पाकिस्तान, आपको पता है कितने पाकिस्तान एक रचना लिखी है, किसने लिखी है, किसने लिखी, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, मैंने आपको याद करवाया था, बोले सर पाकिस्तान कितने हैं, जल्दी बताना है आपको, गर्दिश के दिन आत्मकथा बताना है, दोस्तों ये जो घुटन है, ये घुटन, वेरी गुड, अपने कुरैशी जी ने बहुत बढ़िया यहां पर सही बताया है कि जो घुटन है, ये घुटन जो रचना है, घुटन ये है दोस्तों आपके कौन की, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है अपने कुरैशी जी ने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है ना। घुटन जो रचना है ये रमाशंकर आर्य की है, यहां पर याद रख लेना,
आत्मकथा है ये किसकी है, रमाशंकर आर, है ना, ये रमाशंकर आर की है घोटन, है ना, इसको याद रखेंगे। और जो हमने बताई थी कि जो घोटन वाल्मीकि है, जूठन, है ना, जूठन वाल्मीकि साहब की है, जूठन जो है, जूठन वाल्मीकि आत्मकथा है, और ये घोटन जो आत्मकथा है रमाशंकर आर की है, ठीक है, ये चीज याद रखनी, रमाशंकर आर की, है ना, हाँ, वेरी गुड। तो इसको याद रखेंगे। और गर्देश के दिन ये कमलेश्वर जी की है, कमलेश्वर जी, बनारसी दास जी की अर्ध कथानक है, है ना, और जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा और मेरी जीवन यात्रा, इन दोनों की ही है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा और राहुल सांकृत्यायन की भी मेरी जीवन यात्रा, इन दोनों की भी याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ और रामानुज, ये जल्दी से बताना है दोस्तों। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, कोई बात नहीं, देखो जब कोई क्वेश्चन गलत होता है और जब क्वेश्चन को आप गलत से सही करते हो तो वो चीज आप कभी नहीं भूल सकते। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और गलत को आप सही करते हो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाता है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। घोटन किसकी है, रमाशंकर आर्य की, जूठन किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, है ना, तो होना चाहिए, गलत भी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक दोस्तों, पुष्टि मार्ग के सभी लोग प्रवर्तक बताएंगे, सभी लोगों को पता है। और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य, यानी कि आपका जो वल्लभाचार्य जी हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, ये नंबर, ठीक है। है ना, अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। नेक्स्ट बताना, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो रचनाएं हैं वो सारी करवाई हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित, है ना, और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला ये चीज भी बतानी है। तो दोस्तों हम जब ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1968 में मिला चिदंबरा के लिए, सुमित्रानंदन पंत को, है ना, 72 में अपने दिनकर जी को मिल गया उर्वशी, है ना, कैसे याद किया था कि दिन में बसी, दिन में उर्वशी, दिन में उर्वशी तो दिनकर, और 72 साल की हो गई उर्वशी, है ना, उर्वशी। महादेवी वर्मा जी की यामा, यामा के लिए मिला यानी 1982 में, ठीक है, और अग्गे के लिए मिला 1978 में मिल गया इन्हें, ठीक है। तो इनको सभी को याद रखना है, इस जो अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली रचनाएं थे जो साहित्यकार थे वो भी आज की वीडियो में ही अपन ने याद किए हैं, है ना, तो ये तो सभी को याद है। शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, है ना, चिड़िया ने ची ऊ किया, हाँ हाँ ची ऊ किया, तो भामह, बामन, मम्मट, आनंदवर्धन, तो शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बामन, ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं, और भामह माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, और शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम आनंदवर्धन, है ना। और दोस्तों कोई अच्छी सी ध्वनि आपके शरीर में सुन जाए, आपके शरीर आपको सुन जाए, तो आपके शरीर को क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है शरीर को। तो यहाँ पर शरीरम, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, कोई अच्छे से शब्द बोल दें शरीर में आनंद आ जाता है, है ना, आनंद आ जाता, आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, ये आनंदवर्धन की परिभाषा है।
हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताना है दोस्तों। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? मैंने आपको समाचार पत्र भी याद करवाए हैं, पढ़ाए हैं, ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं। हमने याद करवाए थे क्या? प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, है ना? याद है आप लोगों को ट्रिक? प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, यानी कि जो हिंदी प्रदीप था, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बाल से बालकृष्ण भट्ट, ये हमने याद करे थे, है ना? ठीक है, प्रदीप के बाल भटा से भरत गए। अब प्रदीप जी हैं, बोले सर आप वही वही क्यों बोल रहे हो? हाँ, वेरी गुड। तो ये दैनिक समाचार पत्र यहाँ पर पूछा गया, ये समाचार सुधावर्षण है, ठीक है। 1854 में श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। और दोस्तों प्रथम समाचार पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड, और ये उदंत मार्तंड क्या था? ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना? हिंदी का अगर आपसे पूछा जाता, ये दैनिक काट देते, ये दैनिक समाचार पत्र काट देते प्रथम, अगर इस इतना बस पूछा जाता प्रथम, तो आप लगा देते उदंत मार्तंड, है ना? और यहाँ पर दैनिक की जगह साप्ताहिक कर दिया जाता, साप्ताहिक, तब भी आप लगाते उदंत मार्तंड। लेकिन यहाँ पर अगर दैनिक अगर दिया है, तो आपको यहाँ आ जाना है समाचार सुधावर्षण पर, ठीक है, समाचार सुधावर्षण पर। और दोस्तों ये बंगदूत पत्रिका 1829 में प्रकाशित हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, बंगदूत पत्रिका 1829 में, और ये 1826 में उदंत मार्तंड, है ना? ये 1854 में हुआ था समाचार सुधावर्षण, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, है ना? अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? अवधि, अवधि को बघेली, दोनों, कोसली या इनमें से कोई नहीं, तो किस नाम से जाना जाता है अवधि भाषा को? प्रश्न क्रमांक 20 का सही आंसर बताना है, और अवधि को जाना जाता है प्रश्न क्रमांक 20 में, अवधि, अवधि को कहा जाता है क्या? कोसली, कोसली यानी वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अवधि को कोसली भाषा के रूप में जाना जाता है, और वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? स्नेह लीला, है ना, स्नेह है हमें, है ना, किससे स्नेह है? विष्णु जी से। किससे स्नेह है? विष्णु जी से स्नेह है। तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे? विष्णुदास होंगे, है ना, विष्णुदास, विष्णुदास, विष्णुदास। तो विष्णुदास यानी सी नंबर स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास जी हो जाएंगे। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था? 22, शांत था, श्रृंगार था, वीर था, या फिर हास्य था? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था? दोस्तों आपने पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर इस आदिकालीन आदिकाल का नाम रख दिया वीर गाथा काल, है ना, वीर गाथा काल रख दिया, 12 रचनाओं को प्रमाणिकता का आधार माना, और वीर रस की रस का जो इसमें प्रधान था, और आश्रय कवि हुआ करते थे, मतलब जो है विभिन्न प्रकार के जो आश्रित राजाओं के आश्रित थे, उनकी यशोगान का वर्णन करते थे। तो पूर्ण रूप से इन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं माना गया, ठीक है। अगला आपको बताना है, निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है? मनोविश्लेषणवादी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी, यहाँ आप लोग कन्फ्यूज होते हो। देखो मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं कौन कौन? जैनेन्द्र कुमार माने जाते हैं, ईलाचंद्र जोशी माने जाते हैं, अज्ञे माने जाते हैं, ये तीनों ही माने जाते हैं दोस्तों। और एक और माने जाते हैं, अगर किसी को पता हो तो बता देना, कमेंट में बता देना, है ना। एक और माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? मनोविश्लेषणवादी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, अज्ञे, जैनेन्द्र और ईलाचंद्र जोशी, ये मनोविश्लेषणवादी कवि हैं, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। डॉक्टर देवराज, है ना, डॉक्टर देवराज जो हैं वो भी माने जाते हैं, डॉक्टर देवराज, ठीक है, याद रख लेंगे, वेरी गुड। परवेज खुरैसी जी, डॉक्टर देवराज भी मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं, ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, बहुत बढ़िया। अगला बताना, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? प्राचीन, दोहा है, वरवे है, छप्पे है, या फिर सवैया है?
सबसे प्राचीन छंद की बात हो रही है, और सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि छंद माना जाता है प्राचीन दोहा, दोहा माना जाता है, यानी कि ए नंबर आपका दोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोहा प्राचीन छंद है, और दोहा में आप पढ़ते हैं ना 13-11, निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक है ना, चार तार सप्तक प्रकाशित हुए दोस्तों, और तार सप्तक मैंने याद भी करवाए थे, तार सप्तक के कवि याद करवाए थे, है ना, तार सप्तक की बहुत सारी चीजें आपको ट्रिक बताई थी, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बताने वाला हूँ तार सप्तक के कवि, प्रथम के कौन है, द्वितीय के कौन है, तृतीय के कौन है, है ना, नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से, कोड है एक तार सप्तक का, नैमी मुक्त भारत की, नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से, ये ऐसा कोड मैं आपको कर करके बताऊंगा। और तार सप्तक के नैमी चंद्र जैन भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, अज्ञेय भी हैं, तो कौन नहीं है, रामधारी से दिनकर साहब नहीं है, दिनकर यानी सी नंबर, ठीक है, दिनकर साहब नहीं है। रामायण महानाटक की रचयिता कौन है दोस्तों? ये 1610 का नाटक है, ये पूछा गया है एलटी ग्रेट में पूछा गया, यूपी एलटी ग्रेट में, है ना, कि रामायण महानाटक की रचना कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, नाभादास हैं, प्राणचंद चौहान हैं, या फिर दामोदर कवि हैं? तो आपको पता है कि रामायण हमारी क्या है, प्राण है, तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन होंगे? प्राणचंद चौहान, है ना। और एक रचना है वर्ण रत्नाकर, वर्ण काय में पढ़ना है, वर्णमाला या फिर वर्ण पढ़ना है हमें, ज्योति में, अंधेरे में नहीं पढ़ना है, ज्योति में पढ़ना है, तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। भक्तमाल आपको पता है नाभादास की है भक्तमाल, ठीक है, और दामोदर कवि की कौन सी है? दामोदर कवि की आपको बताना है कौन सी है, कमेंट में लिखो फटाक से, दामोदर कवि की रचना कौन सी है जो प्रसिद्ध है, पूछी जाती है? जल्दी से बताओ कौन सी है दामोदर कवि की रचना, कमेंट में आपको लिख देना है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है दोस्तों, कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी किसने कहा है? सादुक्कड़ी, हाँ, वेरी गुड परवेश जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर, पंडित दामोदर शर्मा की है, ठीक है, वेरी गुड, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना, एस जी राकेश जी। अब सादुक्कड़ी, कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी किसने कहा? सादुक्कड़ी, सादुक्कड़ी बताना है। एक दोस्तों अपने पढ़ा था पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, बोले दोस्तों जब पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो पंचमेल खिचड़ी विभिन्न प्रकार के मेल किया जाएगा तो ये कैसी होगी? सुंदर होगी। कैसी होगी? सुंदर होगी। तो श्याम सुंदर ने कहा था, क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। लेकिन सादुक्कड़ी किसने कहा था? तो सादुक्कड़ी कहा था किसने? शुक्ल जी ने, है ना, शुक्ल जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा द्विवेदी जी ने, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने सादुक्कड़ी कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर ने, ठीक है, श्याम सुंदर। तो कबीर की भाषा को फिर पूछ लिया गया पंचमेल खिचड़ी, तो पंचमेल खिचड़ी कैसी होगी? कैसी होगी पंचमेल खिचड़ी? सुंदर होगी, सुंदर, है ना, बोले सर बहुत सुंदर खिचड़ी थी पंचमेल खिचड़ी, है ना। तो श्याम सुंदर दास बाबू, श्याम सुंदर दास ने कह दिया कि ये जो कबीरदास की भाषा है ये तो पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है दोस्तों? द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? वियोगी हरि नहीं है, मैत्रीषण गुप्त नहीं है, अंबिका दत्त व्यास हैं, या रामनरेश त्रिपाठी? नहीं है, बताना है। द्विवेदी युग के आपको पता है कि जो द्विवेदी युग है दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ गया द्विवेदी युग, है ना। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो ये 1903 में बन गए सरस्वती पत्रिका के संपादक, है ना, और 1920 तक जमे रहे सरस्वती पत्रिका में, है ना। और सरस्वती पत्रिका की जब बात आती है तो सरस्वती पत्रिका दोस्तों 1900 में जो है ये प्रकाशित हुई थी,
और श्याम सुंदर जो थे वो क्या थे, इसके प्रथम संपादक थे। और दोस्तों इसके जो संस्थापक संपादक और संस्थापक में बहुत कम कंफ्यूज हो जाता है सभी लोग में। और चिंतामणि जो घोष थे वो सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संस्थापक थे, प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर, और 1900 में ये प्रकाशित हुई थी, है ना, तो याद रख लेना है। और द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। ये अंबिका दत्त व्यास कौन से युग के हैं, ये भारतेंदु युग के हैं, है ना। वियोगी हरि हैं, मैत्रीचरण गुप्त भी हैं, राम नरेश त्रिपाठी भी हैं, ठीक है, तो इनको अपन याद रखेंगे। अगला बताना, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना कौन सी है, दोस्तों प्रथम रचना बताना है, कृष्ण शतक है, रस कलश है, प्रिय प्रवास है, या वैदेही वनवास है, तो 30 का आंसर ये कई बार पूछा गया है ना। और अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की जब बात आती है दोस्तों, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाट, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की कई बार पूछी गई है, ठेठ हिंदी का ठाट ये रचना कई बार पूछी गई। और प्रिय प्रवास तो आपको पता है कि जो प्रिय प्रवास है हिंदी खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, ठीक है। और अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की ठेठ हिंदी का ठाट बिल्कुल सही है। और इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है कौन सी, कृष्ण शतक, है ना, कृष्ण शतक, यानी कि आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। आनंद अरुणोदय बताना है, 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला विकल्प आपका है जगमोहन सिंह की है, दूसरा भारतेंदु, तीसरा प्रेमघन और चौथा राधा कृष्ण दास की। तो किसकी रचना है दोस्तों आनंद अरुणोदय, ये हमें बताना है। और जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना जितने भी साथी ने नहीं किया है। और जिन साथियों को क्या नहीं पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, वो बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ठीक है, बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है बेल आइकन को दबाकर। और आज का जो पहला प्रश्न है कि दोस्तों अगर कोई प्रेम से अगर दो शब्द बोल दे तो आपको क्या आ जाता है, बोले आनंद आ गया सब, है ना, आनंद आ गया, तो प्रेमघन, है ना, प्रेमघन, और प्रेम की अगर घन छा जाए तो आनंद आ जाता है ना, तो इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, आनंद प्रेमघन। अब दोस्तों यहाँ पर राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, जगमोहन सिंह, प्रेमघन, ये सभी भारतेंदु युग के कवि हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन आपको बताना, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, प्राचीन और नवीन का समन्वय, या फिर प्राचीन व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, या फिर सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव। तो भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता क्या है, भारतेंदु जी के बारे में जब तक मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 1850 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, किसकी, भारतेंदु जी की। भारतेंदु युग का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, भारतेंदु युग। और इनके इनका एक जो दोस्तों भारतेंदु मंडल था, भारतेंदु मंडल। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1844 में, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट की जब बात आ ही गई है दोस्तों, तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, है ना, तो याद रख लेना है, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। और भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, यानी कि आपका जो उत्तर है वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, ये भारतेंदु युग की कविता की सबसे बड़ी विशेषता थी, यानी आपका उत्तर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। अगला बताना है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। अब दोस्तों कामायनी की यहाँ पर जब बात आ गई है तो कामायनी के बारे में भी जान लेते हैं, जब तक आप उत्तर का चयन करेंगे, जब तक मैं आपको बता दूं कि कामायनी का जो सन माना जाता है, जो काल माना जाता है, प्रकाशन काल माना जाता है, वो 1935 माना जाता है। कामायनी 15 सर्ग हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। और दोस्तों
इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो कामायनी में जो श्रद्धा प्रतीक है वो हृदय का प्रतीक है, हृदय यानी कि और में विराजमान और का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो सी नंबर है, जिन्होंने सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि हिंदी में स्वच्छंद छंद की प्रथम प्रयोक्ता कौन है। दोस्तों स्वच्छंद छंद की प्रथम प्रयोक्ता बताना है, श्रीधर पाठक हैं, निराला हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, या फिर प्रसाद जी हैं। और आपको पता होगा कि दोस्तों जो अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या किया कि ये संपादक थे काय के सरस्वती पत्रिका के, और जो छंदमुक्त रचना इनकी जो थी वो कौन सी थी, निराला जी की कौन सी थी, जूही की कली थी। और जूही की कली को प्रकाशित करने से मना कर दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और फिर आगे चलकर ये जूही की कली जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध हुई, और ये जो है दोस्तों प्रसिद्धि का आधार बनी निराला जी की। निराला जी यानी बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। इनका एक शोक गीत है दोस्तों, कौन सा, सरोज स्मृति, संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है इनका, निराला जी का सरोज स्मृति। तो ये चीज भी आपको याद रखना है ना। और ठीक है, अगला पूछा जाता है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है। रुद्र, रुद्र बताना है किसे कहा जाता है। चार विकल्प में से आपको उत्तर बताना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महादेवी वर्मा है दोस्तों, महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो इनका फैक्ट आता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपका आता है दोस्तों कि महादेवी वर्मा की जो यामा रचना है इसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। और जो महादेवी वर्मा जी हैं ये छायावाद की आधार स्तंभ मानी जाती है, ठीक है। और महादेवी की रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, सरोज, ये सभी हैं, ठीक है। हाँ, बेटी है सरोज, सरोज स्मृति। और महादेवी वर्मा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जो रुद्र कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, निराला जी को कहा जाता है। और दोस्तों इनकी एक रचना और पूछी जाती है, तोड़ती पत्थर, है ना, तोड़ती पत्थर यथार्थवादी रचना है इनकी, तोड़ती पत्थर, है ना, ऐसा पूछा जाता है। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की रचना मानी जाती है, तो यथार्थवादी मानी जाती है। और पंत को प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का चितेरा कवि। और नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को क्या माना है, छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। और प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, तो जोशी साहब ने माना है, ईला चंद्र जोशी साहब ने, ठीक है। तो ये छायावाद के चार आधार स्तंभों में से हमने इनकी बात कर ली, इनके बारे में जान लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लोकायतन किस प्रकार की रचना है दोस्तों। लोकायतन, लोकायतन बताना है, जब तक मैं आपको बता दूं कि जो लोकायतन रचना है ये पंत जी की है। किसकी है, पंत की। हाँ, राम की शक्ति पूजा भी इनकी लंबी कविताओं में से एक है, और निराला जी की। और लोकायतन बताना है तो लोकायतन ये पंत की रचना है, और एक इस प्रकार की है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक है, गीति नाट्य है, या फिर चंबू काव्य है, ये हमेशा आपसे पूछा गया है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लोकायतन। और लोकायतन जो काव्य रचना है दोस्तों ये महाकाव्य है। किसका, महाकाव्य है लोकायतन, पंत जी का है। बहुत ही बढ़िया, हाँ, सजल गीतों की गायिका भी उन्हें कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को, है ना, सजल गीतों की गायिका। और लोकायतन महाकाव्य पंत जी का है, ये चीज भी याद रखनी है ना। और ये प्रबंध काव्य है, इसलिए याद रखना, प्रबंध काव्य की आपको पता है महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद होते हैं प्रबंध काव्य के, ठीक है। तो ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है पंत जी का। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है। छायावाद का जनक मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो उत्तर बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। निराला जी ने माना है, मुकुटधर पांडे ने माना है, जयशंकर प्रसाद, या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने माना है। तो किसने मान लिया दोस्तों, नंदलाल वाजपेयी को छायावाद का जनक, सॉरी नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जनक। और नंद की बात आ रही है तो नंद, नंद किसे मानेंगी, नंद दुलारी वाजपेयी पंत को मानेंगी, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, पंत जी को माना है। और मुकुटधर पांडे को किसने माना है, तो शुक्ल जी ने माना है ना, मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने। और सुमित्रा नंदन पंत को दुलारी वाजपेयी ने, ईला चंद्र जोशी ने माना है जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है।
छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने, या सुमित्रा नंदन पंत ने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों कई बार, ठीक है। तो छायावाद को चित्र भाषा शैली जो कहने वाले हैं, जिन्होंने कहा है, वो कौन ने कहा है? और आपका बिल्कुल सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने चित्र भाषा शैली कहा है दोस्तों, चित्र भाषा शैली, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। और अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे दोस्तों? किस उपनाम से लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। और जो बैद्यनाथ हैं, बैद्यनाथ, ये नागार्जुन लिखते थे बैद्यनाथ नाम से, ठीक है, नागार्जुन। और अपने जकी नाम से जो लिखते थे वो कौन लिखते थे? जकी। और जकी नाम से लिखते थे कौन? रत्नाकर जी, है ना। नवाब राय किसका नाम था? नवाब राय प्रेमचंद जी का। तो आपको याद रख लेना है कि रत्नाकर जी जकी उपनाम से लिखते थे, बैद्यनाथ उपनाम जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है, और दोस्तों कलाधर नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से कौन लिखते थे? अपने जयशंकर प्रसाद लिखते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और आपका जकी बिल्कुल सही होगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? सूफी कवि बताना है, यानी कि 39 का उत्तर बताना है। जायसी है, मुल्ला दाऊद है, नूर मोहम्मद है, या फिर मुल्ला बजी है? तो सूफी कवि कौन है यहाँ पर बताना है, प्रथम सूफी कवि। और प्रथम सूफी कवि में जब हम बात करते हैं कि प्रथम जो सूफी कवि हैं वो कौन है, और जायसी का एक प्रथम ग्रंथ है दोस्तों कौन सा? पद्मावत। पद्मावत है, और ये दोस्तों आपको पता है प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है पद्मावत, इस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और सूफी कवि कौन है? तो सूफी कवि हैं प्रथम मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद यानी कि मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो कौन सी है? चंदायन है, चंदायन, ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, और प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब, ये बताना है दोस्तों, सिखों का एक बहुत ही बृहद ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और इसका संकलन किसने किया ये चीज बतानी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक देव थे, और दसवें गुरु जी जो थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था वो किसने किया था? तो वो किया था अर्जुन देव ने, अर्जुन देव, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने जो है संकलन किया था काय का? गुरु ग्रंथ साहब का, यानी बी नंबर बिल्कुल सही होगा। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये चीज आपको बतानी है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और लखनऊ में बतानी है, तब आपका प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी ये चीज भी आपको बतानी है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी ये जल्दी से बताना है भारत में, और प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की थी लखनऊ में ये चीज भी बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना अध्यक्षता की थी वो प्रेमचंद जी ने की थी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये स्थापना कब हुई थी दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की, तो जल्दी से आप उत्तर बताएंगे कमेंट में। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि से हुई, सामी से हुई, ब्राह्मी, या फिर अरमेई की लिपि से हुई है? तो किस लिपि से हुई है? हाँ, वेरी गुड, 1936 आपका बिल्कुल सही है। अब आपको खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति बतानी है, किससे हुई है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अरमेई की लिपि से हुई है, अरमेई की लिपि, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अरमेई की लिपि से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। और अगले क्वेश्चन की ओर है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन आप पढ़ते हो ना, या रा ला वा, है ना, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, है ना,
और अगर इसको ऐसे पढ़ें कि यार लव है ना, और दोस्तों यार से लव किया जाता है, प्रेम किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, अंतस्थ से किया जाता है कि बाह्य से किया जाता है ना। बाहरी रूप से तो नहीं करते कोई लोग, दिखावटी तो नहीं करता कोई, है ना, अंतस्थ से किया जाता है। बोले सर यार से लव किया जाता है तो अंतस्थ से किया जाता है ना। तो यार लव यानी कि या रा ला वा, इस प्रकार से इसको पूरा अगर जोड़ दो तो यार लव हो जाता है, और यार से लव किया जाता है अंतस्थ से, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। और अगला दोस्तों है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्य, पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई की भाषा, या शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी यानी कि प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर बताना है, और 44 का आंसर क्या हो जाएगा? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? और आपका 44 का जो उत्तर होगा, साहित्यक पुस्तकों की भाषा है ना, साहित्यक पुस्तकों की भाषा जो होती है वो मानक हिंदी कहलाती है, साहित्यक पुस्तकों की भाषा, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, साहित्यक पुस्तकों की भाषा। और अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? मेवाती, मेवाती बतानी है दोस्तों। आपको पता है कि जो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है कौन सी? राजस्थानी, राजस्थानी निकली, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, इस सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं। अब राजस्थानी की भी कुछ उपभाषा है ना, तो राजस्थानी की जो उपभाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी की मेवाती है ना, और मेवाती उत्तरी राजस्थानी कहलाती है, उत्तरी राजस्थानी है ना। तो उत्तरी राजस्थानी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्तरी जो उपभाषा है वो कौन सी है, या मेवाती जो है राजस्थानी भाषा का कौन सा रूप है, तो उत्तरी रूप माना जाता है, उत्तरी यानी कि उत्तर में बोली जाती है मेवाती, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है दोस्तों? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, या पत्राचार की भाषा का? किसका वर्णन है, यानी 46 का आंसर बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 4 विकल्प बताना है दोस्तों। और कल दोस्तों क्या है? रक्षाबंधन है, कल क्या है? रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन में सभी लोग बताएंगे कि क्लास को रखना है कि नहीं रखना है, या फिर कल रिवीजन करवा दें। रिवीजन यानी कि रिवीजन वाला वीडियो आपको डाल दूंगा, सुबह भी रिवीजन और शाम को भी रिवीजन, जो अपने ने ट्रिकी वीडियो पढ़े हैं ना वो रिवीजन वीडियो कल आएंगे, तो जिसको टाइम मिले वो देख लेना, नहीं तो बाद में देख लेना। और 351 में जो विषय का वर्णन किया है वो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, है ना, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 351 में सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है, ग्वालियर की बोली क्या है दोस्तों? ग्वालियर, ग्वालियर बताना है, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का इस प्रकार से नक्शा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके नक्शा है इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपका ग्वालियर है, ग्वालियर है ना, ग्वालियर। और ग्वालियर की जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है कौन सी? बुंदेली, बुंदेली यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भी कौन सी है? बुंदेली ही है ना, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो बुंदेली यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बताना, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है दोस्तों? अपभ्रंश, अपभ्रंश बताना है पुरानी हिंदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, भारतेंदु, या फिर ग्रियर्सन ने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो हैं वो कौन हैं? और 4 में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो यहां से दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 48 में, एक तो है दोस्तों साहित्यक अपभ्रंश को, अगर आपसे पूछा जाता कि जो है साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, साहित्यक अपभ्रंश को
पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आप बता देते रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को, है ना। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। यहां पर अगर आगे साहित्यिक अपभ्रंश जुड़ जाता साहित्यिक, तो आपका उत्तर हो जाता रामचंद्र शुक्ल, लेकिन नहीं जुड़ा है, भगवान करे अच्छा है नहीं जुड़ा, तो आप बी नंबर बता सकते हो, ठीक है। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, चार विकल्प हैं, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। सुबह 9:30 पर अपनी क्लास होती है हिंदी साहित्य की, है ना, तो हिंदी साहित्य की ट्रिकी वीडियो की क्लास आती है, वो जरूर देखना है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल नहीं है वो भाषा कौन सी है, बोडो है, भोजपुरी है, मैथिली है या फिर डोंगरी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो भोजपुरी भाषा है भोजपुरी ये शामिल नहीं है, जबकि जो मैथिली है मैथिली शामिल है, है ना, मैथिली भी है, डोंगरी भी है, बोडो भी है, लेकिन भोजपुरी ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर भोजपुरी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मालती माधव किसकी रचना है, मालती माधव भवभूति की है, श्रीहर्ष की है, दंडी की है या फिर भारवी की है। और है ना भोजपुरी आप लोग देखते होगे ना, भोजपुरी, भोजपुरी जो फिल्म आती है मैं भी देखता हूँ कभी कभी, दिनेश लाल यादव जी की रहुआ, है ना, और वो कौन है खोसारी लाल, उनकी भी देखते हैं, बढ़िया फिल्में होती हैं, है ना। सबसे अच्छी लगी थी मुझे वो फिल्म कौन सी, आपकी निरहुआ हिंदुस्तानी, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और दोस्तों पूरी गांव पर आधारित थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी निरहुआ हिंदुस्तानी तो वो मूवी देखें, बहुत ही बढ़िया है। और मालती माधव यहां पर भवभूति की रचना है, यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर भवभूति, मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति, और ए नंबर बिल्कुल सही होगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला की बात हो रही है यहां पर, रोला, रोला दोहा सोरठा, है ना, और आपका रोला छंद की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बतानी है। और रोला की जब बात आती है तो रोला में भी कितनी होती हैं, 24 होती हैं, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। रोला के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति के लेखक नामवार से हैं, किस कृति के लेखक नामवार से हैं, आलोचना और काव्य, आस्था और सौंदर्य, दूसरी परंपरा की खोज या भाषा और समाज। तो किस आलोचना, किस कृति के लेखक माने जाते हैं नामवार से, आपने पढ़ी होगी दोस्तों कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, कविता की नई नए प्रतिमान, ये किसकी है, कविता के नए प्रतिमान, नए यानी कि नामवार, ठीक है, तो कविता के नए प्रतिमान नामवार की है, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी नारायण शायद, तो नामवार जी की जो है वो कौन सी है, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, यानी यहां पर आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, डी नंबर, ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज। द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है, द्वापर, द्वापर बताना है, बहुत ही बढ़िया है, राम नरेश त्रिपाठी की तो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी है, मानसी, है ना, और कौन सी है, दो तीन रचना इनकी हमेशा पूछी जाती है राम नरेश त्रिपाठी की, है ना, और द्वापर बताना है तो द्वापर की रचनाकार तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, द्वापर के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि हैं ये, राष्ट्र कवि हैं दोस्तों, और इनके दो उपनाम हैं, एक मधुप भी पूछा जाता है कि मधुप उपनाम से कौन लिखते थे, और एक इनका उपनाम है दद्दा, है ना, दद्दा आपसे पूछा जाएगा कि दद्दा उपनाम किसका है, मधुप उपनाम किसका है, तो आपका उत्तर सीधा सीधा होगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, दद्दा उपनाम और मधुप उपनाम है इनके, है ना। भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है, सरल से कठिन की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर होती है, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं होती, तो
भाषा की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो कैसी होती है? कठिन से सरल की ओर, है ना, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कठिन से सरल की ओर। सबसे पहले जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हमें कैसी लगती है? बहुत कठिन लगती है, पहाड़ जैसी लगती है ना, कैसी लगती है? पहाड़ जैसी लगती है, कठिन लगती है। क्या? भाषा। और भाषा की प्रवृत्ति होती ही है कठिन से सरल की ओर, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये सरल लगने लगती है। ठीक है, तो सरल से कठिन नहीं होती। बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल नहीं होती, ये कठिन से सरल की ओर होती है भाषा की प्रवृत्ति। ठीक है, हाँ, वेरी गुड कमलेश जी। क्वासी मानसी मिलन, है ना, ये रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। ठीक है, प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? बहुत ही बढ़िया है, ये पूछी गई थी दोस्तों एलटी ग्रेट में। एलटी ग्रेट, यूपी का एलटी ग्रेट होता है एक एग्जाम, उसमें पूछी गई थी ये प्रेमचंद घर में, है ना, प्रेमचंद घर में है। और प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी कौन थी? कौन थी? मैंने हमेशा आपको बताया है कि प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी। पहले इनका विवाह हुआ था एक कुरूप महिला से, विवाह हुआ था दोस्तों कुरूप, है ना, तो फिर इनका विवाह हुआ किससे बाद में? शिवरानी देवी से। और शिवरानी देवी ने लिखी थी प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, है ना। और अमृत राय इनकी पुत्र का नाम था प्रेमचंद जी के, अमृत राय। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, है ना। और बट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? जीवन पर आधारित बताना है दोस्तों। ये जो बट वृक्ष की छाया में ये जीवनी लिखी किसने है? कुमुद नागर ने। किसने लिखी? कुमुद नागर। यानी कि अगर इसकी रचनाकार आपसे पूछा जाता कि बट वृक्ष की छाया के रचनाकार कौन है, तो आप बता देते कुमुद नागर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये किसके जीवन पर आधारित है, ये पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये अमृतलाल नांगर के जीवन पर आधारित है, यानी सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अमृतलाल नांगर के जीवन पर आधारित लिखी किसने है? कुमुद नागर ने, है ना, तो बी नंबर आपका, ए सी नंबर इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही होगा, अमृतलाल नांगर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी, ये तो कई बार पूछी गई है दोस्तों, अकाल पुरुष गांधी। दिनकर की है, मोहन राकेश की है, जैनेन्द्र कुमार की है, या फिर अज्ञेय की है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार की, है ना, जैनेन्द्र कुमार की रचना है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, जैनेन्द्र कुमार की है ना। और अगला बताना है माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें ये क्या है दोस्तों? माटी की मूर्तें हमने देखा था ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है ना। माटी की मूर्तें हमने याद कैसे कैसे किया था कि लोग क्या करते हैं, माटी की मूर्तें बना के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं, है ना, माटी की मूर्तें बना के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं। है ना, मिट्टी की बारात से उमंगल से सुमन की है, और मिट्टी की माटी की मूर्तें आपका उत्तर होगा ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र, रेखा रेखा रेखा, ये रेखा है, रेखा खींच दी थी लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच दी, लक्ष्मण जी ने बोले इसके बाहर नहीं आना, इसके बाहर नहीं आना, और इसके बाहर सीता जी आई तो क्या हो गया था? हरण हो गया था। अपन को भी लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, लक्ष्मण रेखा, इसके बाहर नहीं आएगा कोई। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, 10 द्वार से 100 पान तक, नीड से निर्माण, क्या है? तो इनकी दोस्तों जो है वो कितने में, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है हरिवंश राय बच्चन साहब की? और इनकी आपको ने पढ़ी होगी दो चट्टाने, दो चट्टाने मैंने आपको याद करवाई थी रचना, दो चट्टाने,
बोले इनकी दो चट्टाने, हरिवंश राय बच्चन साहब की एक अभिषेक बच्चन एक अमिताभ बच्चन, दो चट्टाने हैं है ना, और ये चार भागों में प्रकाशित है, चार भागों में। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चार भागों में प्रकाशित है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है, तरुण के स्वप्न, ये तो मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तों कि तरुण मतलब होता है क्या, होता है युवा, युवा होता है युवा है ना, और हर युवा का सपना होता है कि हम सुभाष चंद्र बोस बने, ऐसे याद करवा दिया था आपको है ना। तरुण मतलब होता है युवा, और युवा का सपना होता है कि हम भी क्या बने, सुभाष चंद्र बोस बने। तो तरुण के स्वप्न आत्मकथा के जो लेखक होंगे वो सुभाष चंद्र बोस होंगे, यानी बी नंबर सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है और चार विकल्प आपके सामने मौजूद है। चलिए तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके विकल्प हैं कुंतक, आचार्य भामह, क्षेमेंद्र या फिर आचार्य बामन। तो प्रश्न क्रमांक 61 में हमें उत्तर बताना था और अलंकार संप्रदाय हमसे पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आचार्य बामन हैं ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और जो क्षेमेंद्र हैं ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और अलंकार संप्रदाय की जब बात आती है तो भामह को याद किया जाता है, यानी कि उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा। और जो भी दोस्तों ये जो मैंने पूरे संप्रदाय आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, सिद्धांत आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, दर्शन आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हिंदी में सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, और इसकी रचना बतानी है कि वो रचना कौन सी है, और सन भी आपको याद करवाया था मैंने, वो सन कौन सा है वो भी आपको बताना है। तो हिम तरंगिणी के लिए मिला, हिम किरीटनी के लिए मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला, आंगन के पार द्वार के लिए मिला, किसके लिए मिला माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली जो रचना है दोस्तों पूरी की पूरी करवा दी है ना, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो हिमतरंगणी इनकी रचना है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, हिमतरंगणी। और दोस्तों ये हिमतरंगणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में है ना, बचपन से लेकर 55 तक हम माखन खाते हैं, माखन, तो 55 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रानंदन पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, सभी लोगों को पता है, और इन्हें 1960 में मिला था, 60 में कला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला है शब्दार्थौ काव्यम ए परिभाषा किसने दी है, शब्दार्थौ काव्यम बामन ने दी है, मम्मट ने दी है, रुद्रट या फिर भामह ने दी है, किसने ये परिभाषा दी है शब्दार्थौ काव्यम, काव्य की परिभाषा दी है तो ये किसने दी है, बहुत ही बढ़िया परिभाषा है और सभी लोगों को बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा प्रश्न क्रमांक 63 का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर होगा शब्दार्थौ काव्यम, ये परिभाषा कई बार पूछी गई, और कई बार पूछी गई तो वो रुद्रट की है, रुद्रट है ना, कभी कभी दोस्तों आप ऐसे शब्द बोल देते हो, शब्द ऐसे बोल देते हो कि लोग कैसे हो जाते हैं रुद्र है ना, रौद्र हो जाते हैं, रौद्र क्रोध आ जाता है, तो रौद्र नहीं होना है, ऐसे शब्दार्थ शब्दों का जो है नहीं बोलना है, तो शब्दार्थौ काव्यम शब्दों का अर्थ ही काव्य है, इस प्रकार से इन्होंने बताया, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्रट साहब का है। और अगला क्वेश्चन है काव्य को पंद्रहवीं विधा मानने वाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन से हैं दोस्तों, काव्य को पंद्रहवीं विधा मानने वाले विद्वान कौन से हैं, राजशेखर हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं, कौन हैं काव्य को पंद्रहवीं विधा मानने वाले ऐसे आचार्य कौन हैं, ये चीज बतानी है। बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल की,
रामचंद्र शुक्ल की दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल आपको पता है श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और इनके जो कथन है वो हर एग्जाम में एक दो कथन आप अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। और विश्वनाथ की बात करें दोस्तों कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने ग्रंथ लिखा है विश्वनाथ जी ने, आचार्य विश्वनाथ ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की तो बात आपको निराली है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर तो एक युग का नाम पड़ गया, द्विवेदी युग, ठीक है। और काव्य को 15वीं विधा जो माना है वो राजशेखर ने माना है, यानी आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही होगा। राजशेखर 15वीं विधा मानने वाले हैं काव्य को, और ये नंबर बिल्कुल सही होगा, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है दोस्तों? अलंकारों का बताना है, प्रश्न क्रमांक 65 का उत्तर, 65 का उत्तर क्या होगा? तो आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, ये अलंकार बताना है दोस्तों, है ना। वैसे हम पढ़ लेते हैं शब्दार्थ, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनको पढ़ते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि ने, है ना, इन्होंने रस तो कितने रसों का वर्णन किया, 8 रसों का किया, लेकिन अब आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने अलंकारों का कितना वर्णन किया है, तो खुशी शर्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि 4 प्रकार के अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों, ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन है, ध्वन्यालोक के टीकाकार बताना है, और ये जो ध्वन्यालोक है ये रचना किसकी है? आनंद वर्धन साहब की, लेकिन ध्वन्यालोक के जो टीकाकार हैं वो कौन है, है ना। औचित्य संप्रदाय अपन ने पढ़ा था क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ लिया था कुंतक, है ना। और दोस्तों आपको बताना है कि ध्वन्यालोक के जो टीकाकार हैं वो कौन है? अभिनवगुप्त, अभिनवगुप्त यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आनंद वर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, और इसके टीकाकार हैं अभिनवगुप्त, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है दोस्तों? प्रथम गद्यकार बताना है, तो लल्लू लाल है, बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है कि हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन माना जाता है, और प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपना जो चैनल है इसे ज्वाइन बटन YouTube द्वारा दिया गया है, और ज्वाइन बटन में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें 3 प्लान रखे गए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान, ठीक है। सिल्वर प्लान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 59 रुपए पे करना होता है, 59, जिसमें दोस्तों आपको सुविधाएं दी जाती हैं कि चैनल के द्वारा अगर दोस्तों आपको ऐसा कर दिया जाता है कि ये जो वीडियो है केवल हमारे जो YouTube मेंबर हैं वो ही देख पाएंगे, है ना, तो ऐसी सेटिंग कर दी जाती है और वो ही ज्वाइंट मेंबर ही देख पाएंगे कुछ YouTube वीडियो, ठीक है। दूसरा, जो आप कमेंट करते हो आपका कमेंट बिल्कुल हाईलाइट देखेगा, सबसे अलग कमेंट आपका देखेगा, आपको इमोजी भी दिया जाएगा, जैसे स्टार इमोजी भी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वाइन बटन के ये 3-4 फायदे होते हैं, तो जो भी ज्वाइन बटन लेना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन था, ग्रंथ गद्यकार कौन थे, गद्यकार पूछे जाते हैं तो वो लल्लू लाल थे, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एक रचना है दोस्तों कौन सी, प्रेम सागर है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है, भुक्तिवाद बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये मम्मट की है, भट्ट लोलट की है, भट्ट नायक की है, या फिर आनंद वर्धन की है। तो भुक्तिवाद की जो अवधारणा है वो किसकी है, प्रश्न क्रमांक 68 में हमें उत्तर बताना है, और 68 में जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, भुक्तिवाद की अवधारणा होती है ये जो है वो किसकी है, भट्ट नायक की है, भुक्तिवाद भट्ट नायक की है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भट्ट नायक, ठीक है, बी नंबर। और कुटज की रचयिता कौन है, कुटज की बताना है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, या फिर भारतेंदु, तो कुटज के रचयिता कौन माने जाते हैं, 4 विकल्प है,
मम्मट की काव्य प्रकाश है, वेरी गुड कुरैशी जी। और कुटच के रचयिता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पढ़ा था कि सीरीज के फूल इनकी एक रचना है, सीरीज के फूल, अशोक के फूल, है ना। जब हमने समान नामों वाली रचनाएं पढ़ी थी तो तब पढ़ी थी सीरीज के फूल, अशोक के फूल, है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कुटच भी इनकी ही रचना है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का दोस्तों आप पढ़ते हो उद्भव एवं विकास, है ना, उद्भव और विकास भी इन्हीं का है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं का है, इन्हीं का ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और कुटच भी इन्हीं का है, ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है शेष कादंबरी की रचयिता कौन है? ये रचना तो कई बार पूछी गई है और इसका उत्तर आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। सहस्रा जी के लिए जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया है, गोल्ड बटन इन्होंने खरीदा है सहस्रा जी ने, बहुत बढ़िया। और शेष कादंबरी की रचयिता बताना है इन्हें, देखो स्टार मिला है, और प्रश्न क्रमांक 70 का उत्तर, और 70 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 70 का सी, यानी कि मृदुला गर्ग, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शेष कादंबरी की रचयिता है मृदुला गर्ग, ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है तो किसे माना है? निर्वेद को माना है, गिलानी को माना है, दैन्य को माना है, या फिर करुणा को माना है? और चार विकल्प हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का जो स्थायी भाव माना है वो किसे माना है, और प्रश्न क्रमांक 71, और 71 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है करुणा, करुणा यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, करुणा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव करुणा को मान लिया। और ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं, हरिओद जी हैं, देवकीनंदन खत्री हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं? तो ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा? और प्रश्न क्रमांक 72 और 72 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हरिओद, हरिओद यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं हरिओद। तो शेष कादंबरी अलका सरावगी की भी है, हाँ वेरी गुड उमा देवी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो रचना है वो अलका सरावगी की है शेष कादंबरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 70 का एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, अलका सरावगी की है शेष कादंबरी, इसको सुधार लेना। और रामचंद्र शुक्ल ने करुणा बताया है, ठेठ हिंदी का ठाट ये हरिओद जी की रचना है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला बताना है निम्न में से कौन सी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है? भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है? सिक्का बदल गया, जन्मभूमि, व्यथा सरगम, या फिर फांसी। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है, ये चीज बतानी है आपको, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फांसी, फांसी यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो फांसी है, बाकी सिक्का बदल गया आपको कृष्णा सूक्ति की पता होगी, है ना, ये जो है भारत पाक विभाजन पर आधारित है, जन्म भूमि भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, व्यथा भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, तो कौन सी नहीं है, फांसी नहीं है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर फांसी, ये भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? चार विकल्प हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि शिवदान सिंह चौहान, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने माना, किसने माना हिंदी का प्रथम निबंधकार? और प्रश्न क्रमांक 74, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार जो मानने वाले हैं वो है शिवदान सिंह चौहान, कौन है,
शिवदान सिंह चौहान इन्होंने प्रथम निबंधकार माना है। इसे भारतेंदु जी को और 74 का आपका बिल्कुल सही आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुम चंदन हम पानी निबंध की रचनाकार कौन है? शरद जोशी जी हैं, विवेकी राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर रमेश चंद्र साय हैं? कौन है तुम चंदन हम पानी निबंध की रचनाकार, यानी कि प्रश्न क्रमांक 75 का उत्तर लिखना है। और तुम चंदन हम पानी जो निबंध के रचनाकार हैं वो है विद्यानिवास मिश्र, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, बी नंबर। और अगला है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? ब्रजभाषा की नहीं है तो कौन सी नहीं है? जानकी मंगल नहीं है, दोहावली, गीतावली या फिर कवितावली? तो कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है, यानी कि 77 का उत्तर बताना है। और 77 ब्रजभाषा की जो नहीं मानी जाती, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली भी है ना, लेकिन यहाँ पर मंगल आया है, मंगल, तो मंगल मंगल आया है तो वो कौन सी हो जाएगी? ये अवधि भाषा में हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ब्रजभाषा में नहीं पूछा गया, तो नहीं है तो कौन सी नहीं है? जानकी मंगल नहीं है। ठीक है, मंगल मंगल मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, और ये खंड काव्य भी है, और यहां पर बताना कौन सा खंड काव्य है? खंड काव्य पर्वे रामायण, दोहावली, पार्वती मंगल या फिर विनय पत्रिका? तो खंड काव्य पूछा गया, तो खंड काव्य कौन सा है? पार्वती मंगल है ना, पार्वती मंगल क्या है? खंड काव्य है, और आपका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक खंड काव्य माना जाता है तुलसीदास जी का। ठीक है, खंड काव्य, और विनय पत्रिका तो आपको पता है, और जो दोहावली है ये भी ब्रजभाषा में है, बाकी पार्वती मंगल और बर्वे रामायण ये अवधि भाषा में है ना। तुलसीदास की मैंने रचना याद करवाई है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सी रचना अवधि में है, कौन सी ब्रज में है, ये याद करवाई है। तो वो वाला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर देख रहे हैं। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों प्रश्न, कई बार पूछा गया कि किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तुलसीदास जी को, लोकायतन, पल्लव या फिर कामायनी? तो किस रचना को जो है मैनिफेस्टो कहा जाता है? और एस जी हमारे ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं, और इन्होंने डायमंड प्लान खरीदा है एस जी ने, और इस प्रकार से हाईलाइट हो जाता है ना। देखें, मैनिफेस्टो कहा जाता है तुलसीदास को, पल्लव को, लोकायतन या फिर कामायनी को, किसे कहा जाता है दोस्तों? और किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पल्लव, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, पल्लव को जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्लव। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत की रचना बतानी है, कौन सी है अरविंद दर्शन से प्रभावित? स्वर्ण किरण है, युगवाणी है, पल्लव है या फिर युगांत है? कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? और प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर बताना है। बहुत ही बढ़िया रचना है अरविंद दर्शन, और अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण यानी कि ए नंबर। ये पूछी जाती है दोस्तों, आपको पता है कि स्वर्ण किरण हो, पल्लव हो, युगांत हो या फिर युगवाणी हो, है ना, ये दोस्तों आपकी क्या है, ये रचनाएं पूछी जाती हैं। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो तो कहा ही जाता है। ठीक है, और अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण है, ए नंबर, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंत की
प्रगतिवादी, प्रगतिवादी रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? ग्राम्या, ग्रंथि, युगांत या युगवाणी? तो कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना नहीं है, यानी प्रश्न क्रमांक 81 का उत्तर बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पंत थे सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने एक रचना लिखी थी, कौन सी? युगांत। और युगांत रचना के माध्यम से इन्होंने छायावाद का अंत किया, यानी कि छायावाद का युग का अंत हुआ युगांत से। और प्रगतिवादी रचना यहां पर नहीं है पूछी गई, तो वो ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि है ना। और एक पूछा जाता है कि किस रचना से छायावाद का युग का अंत माना जाता है, तो युगांत से माना जाता है। वैसे युग का अंत तो है ही, और युगांत जो रचना है ये पंत की है ना। ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, ये रचना किसकी है दोस्तों? ये प्रगतिवादी मानी जाती है। बाकी ग्राम्या की अगर बात करें, ग्रंथि की बात करें, तो ये छायावादी मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला है, निम्न में से पंत की छायावादी रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? पंत की छायावादी रचना बतानी है, तब युगवाणी नहीं है, गुंजन नहीं है, वीणा या फिर पल्लव नहीं है, यानी कि 82 का आंसर बताना है। और 82 में आपका छायावादी रचना हमने अभी पढ़ा है कि वीणा भी है, पल्लव भी है, गुंजन भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? युगवाणी। युगवाणी यानी कि जो आपका ए नंबर है युगवाणी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? बहुत ही बढ़िया है यशवंत जी, क्वेश्चन बताना है आपको कि बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? शोषक का, पूंजीपति का, क्रांति दूत का या फिर शोषण का? बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपने निराला जी की पढ़ी होगी यथार्थवादी रचना तोड़ती पत्थर, है ना, संसार का सबसे शोक गीत पना होगा सरोज स्मृति, है ना। और दोस्तों यहाँ पर बादल राग माना है, तो बादल राग में किसका प्रतीक? तो क्रांति दूत का प्रतीक माना है, क्रांति दूत, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, क्रांति दूत का प्रतीक मानने वाले हैं तो वो है निराला जी बादल राग को। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कैसा पूछ लिया गया? सबसे पहली बात तो हिंदी का पहला उपन्यास पढ़ा होगा आपने परीक्षा गुरु को, लेकिन अब आपसे अगर पूछ लिया गया कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो हमेशा। तो आप याद रख लेना कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर परीक्षा गुरु आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मॉरीशस में, नागपुर में या फिर भोपाल या फिर नई दिल्ली में? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन बताना है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था? और मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था प्रथम कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर। और आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो कौन है? शंकराचार्य हैं, क्षेमेंद्र हैं, रामानुजाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प बताना है, चार विकल्प आपके सामने है, 86 का उत्तर बताना है, फिर आपका राइट आंसर क्या होगा। अद्वैतवाद मैंने आपको याद करवाए हैं दोस्तों, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आपके दोस्तों दर्शन हैं, ये सारे के सारे याद करवाए हैं। और यस रत्ती जी, एस जी और सहस्रा जी, ये ज्वाइंट मेंबर हैं हमारे, सहस्रा जी भी हैं, एस जी भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, और
एक मैं दोस्तों अपने 10-12 ज्वाइन मेंबर हो जाएं उनके लिए स्पेशल क्लास रखूंगा अलग से केवल ज्वाइन मेंबर के लिए। तो 10 से 12 ज्वाइन मेंबर अगर अपने हो जाएंगे तो केवल ज्वाइन मेंबर के लिए अलग से क्लास स्पेशल क्लास रखेंगे, ठीक है। और अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं शंकराचार्य हैं और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य हैं। और दोस्तों रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्होंने स्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, रामानुजा विशिष्ट अद्वैतवाद के भी माने जाते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और अगला है लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है, लक्ष्मीपुरा रांगी राघव है, शमशेर बहादुर, सिद्धांत सिंह चौहान या धर्मवीर भारती है, कौन है लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक। और प्रश्न क्रमांक 87 और 87 का आपका बिल्कुल सही होगा, लक्ष्मीपुरा ये जो रिपोर्टाज है ये सिद्धांत सिंह चौहान का है ना, सिद्धांत सिंह चौहान। और आपको आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि सिद्धांत सिंह चौहान ने जो है क्या किया है, सिद्धांत सिंह चौहान ने भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है ना, किसने, सिद्धांत सिंह चौहान ने, ये तो आपको पता ही होगा। और लक्ष्मीपुरा नामक जो रिपोर्टाज है ये भी किसका है, सिद्धांत सिंह चौहान का ही है, तो बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, किस अपभ्रंश, अपभ्रंश की कौन सी अवस्था से हुआ है, कौन सी अपभ्रंश से हुआ है, जल्दी से बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी से, सौर सैनी से, मागधी से या फिर इनमें से कोई नहीं। शमशेर को कहा जाता है कवियों का कवि, हाँ, लेकिन यहां पर आपका सही होगा कि जो ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की है ना, और ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश की सौर सैनी से हुआ है ना, सौर सैनी से। तो आ नंबर आपका, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, आदिकाल की कौन सी नहीं है, रामचंद्रिका, पदावली, दोहा कोश या फिर पृथ्वीराज रासो, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। हाँ, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली थी और पश्चिमी हिंदी सौर सैनी से, वेरी गुड। और आदिकाल की नहीं है तो आपको पता है कि पदावली है, दोहा कोश है, पृथ्वीराज रासो भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, रामचंद्रिका। और ये रामचंद्रिका कब की है, तो ये भक्ति काल की रचना मानी जाती है, भक्ति काल की, ठीक है, भक्ति काल की रचना कौन सी मानी जाती है, रामचंद्रिका। और पदावली, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की है। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा दोस्तों, आदिकाल को अपभ्रंश काल जो नाम दिया वो किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने, राहुल शांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद ने या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने, तो किसने दिया, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 90 का उत्तर बताना है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अपभ्रंश काल जो कहने वाले हैं राहुल शांकृत्यायन ने, तो क्या कह दिया था, क्या कहा था राहुल शांकृत्यायन ने, और धीरेन्द्र वर्मा आपका बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर अपभ्रंश काल कहा है इन्होंने, धीरे से कह दिया, धीरे से, यानी कि आपका उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा, और डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को, बहुत बढ़िया। और अगला, वीर रस प्रधान रचना में गुण होता है तो कौन सा होता है, माधुर गुण, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण होता है, ओज होता है या इनमें से कोई नहीं। वीर रस प्रधान रचना बताना है दोस्तों, और जब वीर रस की बात आती है तो उत्साह इसका स्थायी भाव है, वीर रस का उत्साह जो है स्थायी भाव है। और आपको पता है दोस्तों कि रीति काल में वीर रस में रचना करने वाला एकमात्र कवि था भूषण, है ना, और भूषण के कुछ वास्तविक नाम था क्या, घनश्याम, और मनीराम भी था इनका, मनीराम, ठीक है, मनीराम भी था, तो हाँ सिद्ध सामंत युग कहा। और वीररस प्रधान जो रचना में गुण होता है तो वो होता है ओज गुण, ओज यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ओज गुण, ठीक है,
अगला है छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है, किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? स्वानुभूति की विवृति, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य का साधन या व्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण? तो राइट आंसर छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है, तो किससे होती है, यानी कि 92 का उत्तर बताना है और 92 का आपका बिल्कुल सही होगा प्रकृति का मानवीकरण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छायावाद में दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण किया गया और छायावाद की मूल चेतना जिस शब्द से व्यक्त होती है वो है प्रकृति का मानवीकरण और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, है ना, ये दोनों ही रचनाएं हैं, तो वो किसकी हैं? और मैं जब तक आपको बता दूं कि रूप गोस्वामी की एक रचना है उज्ज्वल नीलमणि, है ना, उज्ज्वल नीलमणि है रूप गोस्वामी की रचना है, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है कौन सी, वर्ण रत्नाकर, और नाभादास की तो पता ही है आपको भक्तमाल, है ना। तो 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता की जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, गोकुलनाथ, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा गोकुलनाथ, ठीक है। और अगला है अवध विलास की रचनाकार कौन है, अवध विलास प्राणचंद चौहान है, लालदास है, विद्यानिवास मिश्र है या फिर भारतेंदु है, यानी कि 94 का आंसर बताना है, और 94 यानी कि 94 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अवध विलास। दोस्तों हम पढ़ते ना अवध के लाल, है ना, अवध के लाल यानी कि लालदास, तो लालदास, ठीक है। और प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है वो कौन सी है, राजेंद्र प्रसाद, और ये गालिब छूटी शराब तो मैंने आपको याद करवाया था, ये गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की है, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, सत्य की खोज यही आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद की है, यानी बी का नंबर सही हो जाएगा। अर्ध कथानक तो आपकी बनारसी दास जैन की है, लेकिन मेरी जीवन यात्रा की बात आती है तो ये दो लोगों की है, यानी कि जानकी देवी बजाज और राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम भी क्या है, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। सत्य की खोज राजेंद्र प्रसाद, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, और जो है अर्ध कथानक ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है और ये बनारसी दास जैन की है, ठीक है। तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है, तो भारतेंदु को, बनारसी दास को, शिवदान सिंह चौहान को या फिर पदम सिंह शर्मा को किसे माना जाता है दोस्तों, रिपोर्टाज विधा का जनक, यानी कि प्रश्न क्रमांक 96 का जो आंसर है वो बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है शिवदान सिंह चौहान, यानी आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर बी शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। इन्हें रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है, ये रिपोर्टाज विधा को आपको याद रखना है, ठीक है। याद रख लेना। अगला है निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, कृष्णदास, नाभादास, कुंभन दास या फिर परमानंद दास, ये बतानी है, चार विकल्प हैं। मेरी जीवन यात्रा वियोगी हरि की नहीं है, चेक करना थोड़ी सा अच्छे से, है ना, मेरी जीवन यात्रा वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम नहीं है, मेरी जीवन यात्रा केवल दो लोगों की है, जानकी देवी बजाज की है और आपकी राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है, अच्छे से चेक कर लेना। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई, 1565 में हुई, ठीक है। अष्टछाप में चार कवि आपके किसके, बल्लभाचार्य के, और चार कवि दोस्तों आपके किसके थे, चार बल्लभाचार्य के थे, और चार जो थे वो किसके थे। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दास सब में लिखा है, दास यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जो नाभादास है, नाभादास इनकी एक रत्ना है भक्तमाल, ठीक है, भक्तमाल,
ये नावादास ही नहीं है अष्टचाप के, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। और कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है ये महादेवी वर्मा की है, भारतेंदु की है, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा की है, किसकी रचना है? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, प्रश्न क्रमांक 98। प्रेम सिंह जी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र की आत्मकथा सत्य की खोज, नरेंद्र की नहीं राजेंद्र प्रसाद की है सत्य की खोज, है ना। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, यानी 98 का आपका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रसवादी आचार कौन नहीं है? रसवादी आचार, रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है कि नहीं है तो कौन नहीं है? संकुक नहीं है, भट्ट नायक नहीं है, भट्ट लोलट या फिर बामन नहीं है, कौन नहीं है? रसवादी आचार कौन नहीं है? चार विकल्प बताना है यस जी, उत्तर क्या हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि संकुक भी हैं, भट्ट नायक भी हैं, भट्ट लोलट भी हैं, लेकिन कौन नहीं है? बामन, बामन यानी सी नंबर, ये रसवादी आचार नहीं है और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु जो मानने वाले हैं वो कौन है? राजशेखर हैं, भरत मुनि हैं, दंडी या फिर मम्मट हैं, तो कौन है? चार विकल्प में से आपको चयन करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसने माना है काव्य हेतु? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर, जी हां दोस्तों, राजशेखर ने एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। प्रश्न, 9:10 हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? कमेंट में आपको भी उत्तर बताते जाना है। देखते हैं कितने भाई बंधु, कितनी तैयारी आपकी है, किस प्रकार की आपकी पढ़ाई है। तो 9:10 हैं, तो इसमें आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा दो नंबर, 9:10 हैं, 9:00 को नहीं होता, 9:00, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखें, कपिस और कपीस का अर्थ है, ठीक है। तो एक तो आपको पता ही होगा कि कपीस मतलब तो होता है बंदर, तो पहले देख लो बंदर किस में है, दो में है, ठीक है। अब कपिस थोड़ा शब्द लोगों को लग रहा होगा तो कपिस मतलब गर्मी तो होता नहीं, हाँ कपिस मतलब मटमेला होता है, इसलिए इसका उत्तर ठीक क्या हो जाएगा? चार नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। आप हमारे ऐसे वीडियो को देखते जाए, आपका इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप कहीं भी हिंदी व्याकरण में गलती कर करके नहीं आएंगे। और आपको पूरी तैयारी व्यवस्थित सिलेबस के अनुसार करनी है तो आपको YouTube पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, हमारे इस चैनल को आप सर्च करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फिर आपके लिए पूरा क्रम से अध्ययन मिलता जाएगा। अगला देखें, पेड़ों पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अब पेड़ों पर मैना बैठी है तो जम नहीं रहा है कि पेड़ बहुत सारे बोले मैना एक है, इसलिए क्या होना चाहिए? पेड़ पर मैना बैठी है, ठीक है। तो एक नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। हमारे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना, इसलिए कमेंट खोल लें बिल्कुल और तैयार। अगला है, छंद का नाम बताइए, कौन सा छंद बताना है? तो है कौ पापे हैं पंच तत्व प्राप्त सुनी जम गंधावत। अब यदि छंद का पता लगाना है तो ये कैसा है? मात्रिक छंद है, तो इसमें मात्राएं हमें गिननी पड़ेंगी, टोटल कितनी है, ठीक है। दो मात्राओं का ऐसा चिन्ह रहता है, एक का ऐसा, तो अपन देखते हैं कौ, कौ में का में ओ की मात्रा दो है, बिल्कुल इसको ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ मात्राएं कैसे गिननी है आपको आज पता चल जाएगा, तो आप आसानी सीख जाएंगे। कौ का में ओ की मात्रा है तो इसको दो मात्रा गिनेंगे, दो हो गए, ऊ में एक तीन, बड़ा पा है इसलिए दो मात्राएं पाँच, पी में छोटी की मात्रा इसलिए एक ही गिना जाएगा, फिर हा में भी एक, पंच में च
चंद्र बिंदी लगी है, तो आपको बता दें कि जहां पर चंद्र बिंदी होती है उसको एक ही गिनते हैं, अलग से मात्रा नहीं गिनते, तो पा का एक गिनेंगे। चा, चा के और आधा ता है तो चूंकि बाद में है तो चा को ही डबल गिनते हैं। किसी भी शब्द के बाद में जैसे त्वा, वा में आधा ता लगा है तो उसको इसके साथ डबल नहीं गिनेंगे, चा के साथ डबल गिनेंगे, तो चा का अपन क्या हो जाएगा डबल, ठीक है, और वा का क्या हो जाएगा एक। तो यहाँ पर कितनी होंगी, दो दो और एक तीन, और दो पाँच और एक छः, सात आठ, और दो दस और एक ग्यारह, ग्यारह मात्राएँ इस तरफ हो गई, ठीक है। अब दूसरे तरफ का गिनते हैं, दो प्रा की दो, ठीक है, और ता की एक तीन, और सा में छोटी चूकी छोटे ऊ की मात्रा इसलिए एक ही गिनेंगे, और नी में भी छोटी की इसलिए एक ही गिनेंगे, तो यहाँ पर कितनी हो गई पाँच, और जग जम गन चार हैं सीधा, मतलब ठीक है एक 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 एक, तो चार पाँच चार नौ, धा बड़ा है तो उसकी गिनेंगे दो, ठीक है, तो कितनी हो गई ग्यारह, और वा और ताकि एक एक दो तेरह, तो इस तरफ है ग्यारह और फिर अगले में है तेरह, तो इस प्रकार से जहाँ पर होता है वहाँ पर देखो आपको उल्लाला तो होता नहीं, गीत का भी नहीं, हरी गीत का, तो रोला छंद होता है क्योंकि दोहा का उल्टा है, दोहा में तेरह ग्यारह होती हैं और रोला में ग्यारह तेरह होती हैं, तो इस प्रकार से ये उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डले हैं, आपको तो टॉप 50 स्टडी YouTube पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक ज़रूर कर देना। देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा, देश निकाला मतलब देश से निकाला, चार नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, कहाँ से निकालते हैं देश से, इस प्रकार से होता है। अब देखें संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खाली स्थान को बनाए रखना जरूरी है, किसी भी चीज़ का संक्षिप्तीकरण कर रहे छोटा कर रहे तो संक्षिप्तता के साथ क्या प्रवाहात्मकता भी जरूरी है, नहीं तो उसका प्रवाह खत्म हो जाएगा ना, तो फिर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, इसलिए एक नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें कमेंट में आपको उत्तर बतलाना है, आप सोच रहे होंगे सर हम कम समय दे रहे उत्तर बताने के लिए, देखिए हमें आपका समय बचाना है और साथ में आपसे कमेंट में उत्तर भी चाहिए, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, कमेंट में उत्तर दें मेरे बताने से पहले। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा है चूंकि तो किसका प्रतिनिधित्व करेगी राष्ट्र का, तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है संपूर्ण राष्ट्र का, तीन नंबर उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिक्त पद निकलते ना वही रिक्ति, तो रिक्ति को क्या कहते हैं वैकेंसी, ये है कितनी वैकेंसियाँ निकली आप हमेशा कहते, उत्तर बिल्कुल आपको पता होता है कई बार लेकिन आप फिर भी पेपर में गलत करके आ जाते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं हिंदी कर रहे हैं कि आप वो गलती ना करें कि आपको बनते हुए भी आप गलत करके आएँ, वो गलती से हमें बचाना है, बाकी तो याद करानी है। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, जो सारी पृथ्वी का राजा होता है उसको क्या कहते हैं, देखो चक्रवात तो कहते नहीं आप जानते, चौधरी भी नहीं कहते तो चक्रवर्ती जो समस्त पृथ्वी का राजा होता है सबसे श्रेष्ठ राजा, ठीक है। अगला देखें सर्प का पर्यायवाची बताओ, सर्प मतलब सांप, तो इसका पर्यायवाची पहली नंबर पे दिया है भुजंग, ठीक है भुजंग सर्प का। अगला देखते हैं सिनी एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होता है, तो सिनी एक्सप्रेस आपको बता दें कि इंदौर से प्रकाशित होता है, ठीक है। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, ठीक है तो शीशा या दर्पण कहते हैं आईना को, आप लोग भी बोलते ही हैं शीशा या दर्पण। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, औचट मतलब आवश्यकता से अधिक, उसको क्या बोलते हैं औचट, आवश्यकता से अधिक, बिल्कुल रट लीजिए आप इन प्रश्नों को। वृत्ति और मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वृत्ति और मजदूरी, एक नंबर सही हो जाएगा वेज, ठीक है ये सही है। हाँ आगे देखते हैं वह देर में सोकर उठता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका शुद्ध रूप, वह देर में आप ही किसी से बोलते हो तो आप क्या बोलते हैं, आप देर से सोकर, देर से या वह देर से सोकर उठता है ये होना चाहिए, तो वह देर से सोकर उठता है, तीन नंबर ठीक हो जाएगा, अब खुद बिल्कुल लगा के देख लीजिएगा। आगे देखें बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे और बूढ़े,
ठीक है, बच्चे बूढ़े, तो सीधा विलोम आपको दिखा ही रहा है कि बच्चे और बूढ़े विलोम शब्द के अंतर्गत आता है। पर्याय योग में दिया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, पर्याय योग मतलब पर्यायवाची योग में है क्या, ऐसा। अगला देखें, यहाँ पर रस का नाम बतलाना है, तो बिंद के वासी उदासी तपु बृहदारी महाबिनु नारी दुखारी, ठीक है, और गोतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी मैं मुनि बृंद सुखारे हैं शिला सब चंदमुखी परसे पद मंजुल कंज दिखा। एक तरह तो तपोवृद्धारी कह रहे, एक तरफ नारी की बात करते हैं, हास्य की प्रकटित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस, पढ़ करके ही आता है, देखो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है रस पहचानने के लिए। आप ऐसे ही हमारे क्वेश्चन लगाते रहें, आपको अभ्यास हो जाएगा, बाकी अलग ट्रिक से हम जो रस पढ़ाएंगे तो उसमें तो आपको रट ही जाएगा। रस का नाम बताओ, जता पंख बिनु खग अति दीना मनी बिनु फन करीवर करहीना अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जिया भय मोही। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे कि पंखों के बिना पक्षी कैसा होता है, अति दीन होता है, दुखी होता है। मनी बिनु फन करीवर करहीना, अब दीनहीन ऐसी जहाँ पर बात आए आप खुद समझ जाए कौन सा रस होगा, करुणा की बात आ रही है तो कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस यहाँ पर हो जाएगा, इतना ही समझ सकते हैं। अगला देखें, ये कई बार पूछा गया, कर का अर्थ है, कर मतलब एक तो हाथ होता है, तो हाथ इन तीन में दिया है, ठीक है। फिर दूसरा कर का जो अर्थ है वह किरण भी होता है, ठीक है, वो कर का अर्थ एक जो आप कर भरते हैं टैक्स, तो चार नंबर इसका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे आदि का अर्थ है, आदि मतलब पहला प्रथम, ठीक है, तो आदि का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रथम। आगे बढ़ते हैं, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत है, आदि और अंत मतलब, आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब समाप्त, तो क्या हो जाएगा, विलोम शब्द है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। अब है राजभाषा, उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, राजभाषा किस भाषा को कहते हैं, तो आपको बता दें जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। याद रखिएगा, राजभाषा में क्या होता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। अगला देखें, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपको बता दें साहित्य गुंजन इंदौर से प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है, इंदौर से। अब है चार मासों का समूह का समस्त पद होगा, चार मासों का समूह इसको क्या कहेंगे, तो चार मास तो क्या हो जाएगा, चौमासा, ठीक है। और चौराहा किसको कहते हैं, चार राहों का समूह को चौराहा कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे चार मासों का पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, चौमासा। आपको जल्दबाजी में उत्तर नहीं लगाना है, नहीं तो जल्दी लगा के आगे बढ़ गए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए, इस सामने बिल्कुल हम पेपर के ही प्रश्न लाए हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं। चार पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं, जिसके चार पैर होंगे, पैर मतलब पद, तो आप देख लें चतुष्पद मतलब चार पैर, ठीक है। इस प्रकार से आप सीधे आंसर लगा सकते हैं। अब देखें चिरंतन का विलोम होगा, चिरंतन का पहले यदि है किसी चीज का विलोम जानना है तो उसका अर्थ आना चाहिए। चिरंतन मतलब चिरकाल से जो चला आ रहा है, प्राचीन काल से जो चला आ रहा, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, अब आप आसानी से लगा सकते हैं, नस्वर, जो मतलब प्राचीन से चिरकाल से हमेशा से है, तो वो चिरंतन हो गया, और नस्वर मतलब जो नाश को प्राप्त हो गया, नस्वर हो गया, ठीक है। अगला देखें, वाक्य का नाम बताओ, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। वाक्य होते हैं मिश्र वाक, संयुक्त वाक, सरल वाक, ये सब कुछ आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पर, तो आप जुड़े रहें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हों, चाहे पर्यावरण, चाहे बाल विकास, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलता है। तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, कैसा है, तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, मिश्रित वाक्य है, ठीक है। संयुक्त होता है तो और वगैरह लगा रहता है, सरल होता है तो सीधा कि राम घर जा रहा है, रमेश घर जा रहा है, ऐसा हो जाता है, इसलिए मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला देखें, इस वाक्य को सरल कीजिए, इस वाक्य को सरल कीजिए, इसको मतलब सरल में परिवर्तित करना है। तुम बाहर गए और वह रोने लगा,
ठीक है, अब सरल वाक्य बनाना, ये है कैसा संयुक्त वाक्य है, तुम बाहर गए हो, बाहर होने लगा, ठीक है, तो संयुक्त है। अब इसको सरल मतलब तुम्हारे बाहर जाते ही बाहर होने लगा। अब देखो ये कहाँ पर लिखा है, ये 3 नंबर पर, क्योंकि आप खुद सोच लें कि आप जब वाक्य बोलते किसी से बात करते तो कैसे बोलेंगे जिससे वो सही प्रतीत हो, ठीक है, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। दोस्तों अभी तक लाइक ना किया हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे पूरे सिलेबस के अनुसार वीडियो आए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। अब इसको संयुक्त बनाना है तो कठोर बनो परंतु सा, क्योंकि दोनों बात करें कि भाई कठोर तो हो लेकिन सहृदयी भी बनो, केवल कठोर ना रहो, ठीक है, तो कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ये हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला है अलंकार का नाम बताओ, रस छंद अलंकार ये तो पूछे जाते हैं, तो अलंकार का नाम बताना है, साथ ही संधि और समास की बहुत अच्छी ट्रिकें के साथ हमने वीडियो पढ़ाया है तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो अलंकार का नाम यहाँ पूछा है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये इतना सरल है, इतने बारे पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ इसका कमेंट में उत्तर आप लोग दें, देखते हैं कितने भाई मित्र बंधु सही उत्तर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे।